रिव्यू एक्सरसाइज 6 पेज नंबर 129 क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द बाई फैक्टराइजेशन। ये गिवन एक्सप्रेशन है और हमें फैक्टराइजेशन के जरिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने 6.3 में किया हुआ है। अब सबसे पहले देखेंगे आपके पास x और 1 ओवर x के दो पेयर हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट पेयर की वैल्यू है आप इसे लेट कर लें। मसलन x प्लस 1 ओवर x है ना, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, तो आप इसे लेट कर लें, y के इक्वल कर लें कोई भी वेरिएबल। फिर इसी का आपने टेकिंग स्क्वायर करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास सेकंड जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू आ जाए। तो x प्लस 1 ओवर x आप इसका होल स्केयर लिखेंगे, ऑफ कोर्स राइट साइड पे y का भी स्केयर बन जाएगा। इसका स्केयर ओपन करें, दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 2, क्योंकि इसके a भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं x और 1 ओवर x, तो वो हम a भी नहीं लिखते यहाँ पे, y स्केयर हो जाएगा। 2 को राइट साइड पे ट्रांसफर करें, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इक्वल्स टू वाई स्केयर माइनस 2। तो आपको क्या करना है कि ये जो एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर है, इसकी जगह आप वाई स्केयर माइनस 2 इस एक्सप्रेशन में लिखेंगे। मैं एरो से इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वाई स्केयर माइनस 2, और प्लस 10 की जगह प्लस 10 लिखेंगे, और एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की जगह हमने लेट किया वाई, हम वो लिखते हैं, प्लस 27 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब ब्रैकेट्स को ओपन करें तो वाई स्केयर माइनस 2 प्लस 10 वाई होगा और प्लस 27। अब इसको आप अरेंज कर लें वाई स्केयर, फिर आप 10y लिखेंगे, और ऑफ कोर्स फिर 27 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 25। ये आ गया। अब नेक्स्ट में आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, मिड टर्म ब्रेक कर लें या कंप्लीटिंग स्केयर कर लें, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। मैं कंप्लीटिंग स्केयर करता हूँ, ये मेरे पास y का स्केयर है, b मेरे पास 5 से रिप्रेजेंट हो रहा है, प्लस 2 इंटू a की जगह मैं y लिख देता हूँ, और b की जगह मेरे पास 5 है, और ये मेरा बन गया y प्लस 5 का होल स्केयर। अब मुझे टेकिंग अंडर रूट करना है, क्योंकि मुझे अंडर रूट फाइंड करना है ना स्केयर रूट, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन वो लिख लीजिएगा आप। तो y प्लस 5 का होल स्केयर जो है, इस पे जब आप स्केयर रूट लगाएंगे तो स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस की फॉर्म में आपका आंसर आ गया y प्लस 5। और अब आप y की जो ओरिजिनल वैल्यू थी लेट के साथ लिखी हुई है, वो आप यहाँ पर पुट कर दें, और वो है x प्लस 1 ओवर x प्लस 5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसको आप नोट कर लें, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो वो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा।